दोस्तों टेलीग्राम के ऑनर को तो अरेस्ट कर लिया गया, पर अब आपको भी अरेस्ट किया जा सकता है। क्या बात करता है यार? जी हाँ दोस्तों, मैं बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ, और हो सकता है कि टेलीग्राम को पूरे भारत में बैन कर दिया जाए। मुझे पता है कि आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल घूम रहे होंगे, तो ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट्स, सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। तो बिना वक्त जाया किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों टेलीग्राम के जो ऑनर है पावल ड्रोव, उनके पास कई कंट्री की सिटीजनशिप है, जैसे सोवियत यूनियन, रसिया, सेंट किट्स, यूएई, यूनाइटेड अरब इमीरेट्स और फ्रांस का भी है। आपको बता दें कि यूरोपियन यूनियन में ऐसे स्ट्रिक्ट लॉज हैं, स्ट्रिक्ट कानून हैं कि वहां पे बड़ी बड़ी टेक कंपनी भी झुक जाती है। जैसे एप्पल का टाइप सी आया था, तो वहां की जो गवर्नमेंट है उनको सही लगा कि भाई एप्पल का जो टाइप सी चार्जर है वो एकदम सही है, तो फिर एप्पल को वही चार्जर लाना पड़ा। वहां की गवर्नमेंट जो बोलेगी उन टेक कंपनीज को वही करना पड़ेगा, उसके पास कोई चारा नहीं है। पर सवाल ये उठता है कि पावल ड्रोव को क्यों अरेस्ट किया गया? इसका जो रीजन है वो एकदम क्लियर है। टेलीग्राम पे बहुत सारी ऐसी चीजें प्रोवाइड की जाती थी, शेयर की जाती थी पूरे ग्रुप्स में, कि वो चीज लॉ के अंदर फिट नहीं बैठ रहा था। मतलब ये कि टेलीग्राम पे लोगों को फ्री पीडीएफ मिलता था, फ्री कंटेंट मिलता था, और वहां पर एडल्ट कंटेंट भी शेयर किए जाते थे, और वहां पे सॉफ्टवेयर प्राइवेसी भी होती थी, और तो और इलीगल ट्रांजैक्शन भी होते थे। और अभी भी ये सारी चीजें धड़ल्ले से हो रही हैं, और बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते हैं कि वहां पर यानी कि टेलीग्राम पे स्टॉक मार्केट स्कैम भी होता था। हालांकि सेबी को ये बात मालूम पड़ गई थी, इसकी वजह से रिपोर्ट भी किया था उन्होंने। अब सेबी क्या है, इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को जाके जरूर देखें। चलिए टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों टेलीग्राम को लोग इसलिए यूज करना पसंद करते हैं क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजें फ्री में मिलती हैं, जैसे कोई कोर्स हो गया या स्टडी मटेरियल चीजें हो गई, लेक्चर्स वगैरह, या फिर लोग हॉलीवुड बॉलीवुड मूवी देखना पसंद करते हैं इसलिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हैं या फिर ग्रुप बनाते हैं। इसमें एक फायदा ये भी है कि इसमें बड़े साइज का फाइल भी इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी को भेज सकते हैं। इसी वजह से टेलीग्राम की इतनी पॉपुलैरिटी हुई है। दोस्तों टेलीग्राम का 1 बिलियन यूजर्स है पूरे दुनिया भर में। अगर हम अपने भारत देश की बात करें तो अपने ही देश में 50 लाख से ज्यादा यूजर्स है, और वो भी एक्टिव यूजर्स है। और इसका नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि लोगों के साथ एक्सट्रॉशन होता है, टेररिज्म का बढ़ावा दिया जाता है, गैम्बलिंग होती है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है। इस प्लेटफॉर्म पे बड़े बड़े ड्रग माफिया भी हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी होती है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग होती है। अब आप खुद सोचिए कि एक प्लेटफॉर्म पे इतनी सारी चीजें होंगी तो पूरी दुनिया की कौन ऐसा देश होगा जहां के वजीर आजम यानी कि प्राइम मिनिस्टर इस चीज को होते हुए देख सकता है। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने पावल ड्रोव को साफ साफ कह दिया था कि भाई अपने प्लेटफॉर्म पे ये सब चीजें दिखाना बंद कर दो। भले ही लोग ऐसा कर रहे हैं लेकिन इस चीज को तुम रोको, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन पावल जो है ये किसी की नहीं सुनता है, ये सरकार की बात को डायरेक्ट मना कर दिया कि भाई मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, जो हो रहा है होने दो। गवर्नमेंट डेटा मांगती है तो डेटा भी नहीं देता है। तो इसी वजह से फ्रांस में से अरेस्ट कर लिया गया। अगर हम इनकी नेटवर्थ की बात करें तो $15 बिलियन है। और एक हैरान करने वाली बात यह है कि इनके 100 से ज्यादा बच्चे हैं पर इन्होंने कोई शादी नहीं की। समझ रहे हो ना, यानी कि इनके नाजायज औलाद है। खैर अभी हाल ही में नीट का जो पेपर लीक हुआ था वो टेलीग्राम के जरिए ही हुआ था, और ये एक बार की बात नहीं है, कई दफा इस प्लेटफॉर्म के जरिए पेपर लीक हो चुके हैं। चलिए अब हम बात करते हैं। स्टार्टिंग में मैंने बात कही थी कि आपको जेल भी हो सकती है, और क्या इंडिया में यानी कि हमारे भारत देश में टेलीग्राम जो है वो बैन हो गया या नहीं? तो मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम जो है वो इंडिया में बैन भी हो सकता है और आप जेल भी जा सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि टेलीग्राम पे जो भी इलीगल चीजें हैं, सॉफ्टवेयर पायरेसी है, या फिर किसी का कॉपीराइट कंटेंट है, चाहे वो किसी का कोर्स हो गया या फ्री पीडीएफ फाइल है या कोई मूवी है, वेब सीरीज है, किसी भी चीज को आप टेलीग्राम के जरिए किसी को भेजते हैं और अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको जेल हो सकती है। तो मैंने आपको सारी चीजें बता दी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोग अवेयर हो सके, वो जान सके कि भाई उन्हें भी जेल हो सकती है टेलीग्राम यूज करने के चक्कर में। तो जो भी आपके दोस्त अहबाब हैं उन्हें शेयर करके बताएं, ये आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि वीडियो तो मैंने बना दी, पर इस वीडियो को शेयर करना, आगे लोगों तक पहुंचाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आगे भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस, ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस अब तक पहुंच सके। कोई भी सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। खैर मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।